और शर्मा जी नमस्कार जी। नमस्ते माता जी, क्या हाल है? आइए बैठिए। कैसा है ना? और भाई बस बढ़िया। और क्या चल रहा है? बस यार यही कुछ घर के काम बाहर के काम यही है कुछ। चलो, और बच्चे ठीक है? बच्चा ठीक है, साहिब अच्छा पढ़ाई कर रहा है। अच्छा, मैंने सुना इसके बारे में, काफी मार्क्स लगे आ रहा है। अच्छा, ये काफी पढ़ता है मैंने सुना है। और हमारा नलायक है, जितना मर्जी पढ़ ले 50% से ऊपर नहीं जाते नंबर उसके। क्यों? पता नहीं क्या ऐसा दिमाग है उसका। एक आपका लड़का है जो एक घंटे में पढ़ के 80% ले आता है। एक घंटा पढ़ता है, एक घंटे में इतना ले आता है। क्या लेंगे? तकलीफ मत लीजिए, ठंडा गर्म कुछ तो लेंगे। नहीं नहीं, बस मैंने नहीं, ऐसा नहीं होता यार। मैं कौन चाय मंगाता हूँ। अरे सुनती हो, दो कप चाय लेके आना। आपका लड़का तो बहुत लकी है, बहुत किस्मत वाला है जो आपके घर पैदा हुआ। आप भी किस्मत वाले हो। वो थोड़ा सा पढ़ के भी इतना नंबर ले लेता अच्छे। एक हम ना तो हमने लिए ना हमारे परिवार में इतना कोई अच्छा पढ़ा नहीं। और जैसे आप देखते, थोड़ी देर पढ़ के ही इतने अच्छे नंबर ले जाते हैं, 80% ले जाते हैं। हमारे वाले बच्चे तो इतना नहीं कर पाते। हाँ, हमारे परिवार में एक थे जो पूरा जिले में टॉप में आए थे, इतना अच्छा पढ़ते थे। पर वो 4-5 घंटे पढ़ के ही कर देते थे, है ना। पर हमारे परिवार में ऐसा नहीं था। चलो, आपके घर में बहुत अच्छे बच्चे हैं जो अच्छा पढ़ते हैं, थोड़ी देर में भी अच्छे नंबर ले जाते हैं। अच्छा शर्मा जी, घर से ना मुझे फोन आ रहा है, तो फिर मिलेंगे, ठीक है जी? ओके मेहता जी। ओके जी, कोई बात नहीं, मिलते हैं, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है। पूरा पूरा जिले में टॉप में, पूरा पूरा जिले में टॉप में, पूरा पूरा जिले में टॉप में। पर हमारे परिवार में ऐसा नहीं। चलो, आपके घर में बहुत अच्छे बच्चे हैं जो अच्छा पढ़ते हैं, थोड़ी देर में भी अच्छे नंबर ले जाते, जिले में टॉप में आते, इतना अच्छा पढ़ते थे। पर वो 4-5 घंटे पढ़ के ही कर रहे थे। पर हमारे परिवार में ऐसा नहीं। चलो, आपके घर में पूरा जिले में टॉप में आते, इतना अच्छा पढ़ते थे। पर वो 4-5 घंटे पढ़ के ही कर रहे थे, है ना। पर हमारे परिवार में ऐसा नहीं। चलो, आपके घर में बहुत अच्छे बच्चे हैं जो अच्छा पढ़ते हैं, थोड़ी देर में भी अच्छे नंबर ले जाते। पूरा जिले में टॉप में आते, इतना अच्छा पढ़ते थे। पर वो 4-5 घंटे पढ़ के ही कर रहे थे, है ना। पर हमारे परिवार में ऐसा नहीं। चलो, आपके घर में बहुत अच्छे बच्चे हैं जो अच्छा पढ़ते हैं, थोड़ी देर में भी अच्छे नंबर ले जाते। पूरा जिले में टॉप में आते, इतना अच्छा पढ़ते थे। पर वो 4-5 घंटे पढ़ के ही कर रहे थे। पर हमारे परिवार में ऐसा नहीं। चलो, आपके घर में बहुत अच्छे बच्चे हैं जो अच्छा पढ़ते हैं, थोड़ी देर में भी अच्छे नंबर ले जाते। पर वो
पूरा जिले में टॉप में थे, इतना अच्छा पढ़ते थे, पर वो चार पांच घंटे पढ़ के ही कर रहे थे। गुड मॉर्निंग पापा। वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा तो बेटा मुझे ये बताओ आपके लास्ट ईयर में कितने परसेंट मार्क्स आए थे? शायद पापा 82% मार्क्स आए थे। ओके बेटा मेरी एक बात मानोगे? हाँ जी पापा बोलिए। बेटा तुम स्कूल से आने के बाद कितनी देर पढ़ते हो? पापा कभी एक घंटे कभी दो घंटे। बेटा तुम अपने पढ़ने की टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ा दो। पापा मैं तो समझा नहीं। बेटा आप एक घंटा पढ़ते हो और 80% मार्क्स लेके आते हो, अगर आप चार पाँच घंटे पढ़ोगे तो आप 99% मार्क्स लेके आ सकते हो। बोलो पढ़ोगे ना? हाँ जी पापा। गुड ओके बेटा मैं जा रहा हूँ। हेलो। हाँ जी पापा। हेलो साहिल बेटा क्या कर रहे हो? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो? चलो ठीक है। हाँ पढ़ो पढ़ो। हेलो साहिल बेटा क्या कर रहे हो? हेलो हाँ पापा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ओके कोई बात? वैसे ही किया था मैंने तो। ओके बाय। वाह रे बेटा वाह, अच्छा बेवकूफ बनाया अपने बाप को। पापा सॉरी। पापा सॉरी क्या होती है? जूते देखे मेरे टूट गए हैं। नए नहीं लिए मैंने। किसके लिए? तुम्हारे लिए कि तुम पढ़ लो, पढ़ के कुछ बन जाओ। और तुझे तुम कौन से गुण खिला रहे हो? झूठ बोल रहे हो पापा को? पापा पढ़ रहा हूं। क्या कर रहे हो? गेमें खेल रहे हो फोन से? कहिए तुम्हारी पढ़ाई हो रही है? इसे पढ़ाई बोलते तुम? शेम ऑन यू। पापा प्लीज एक मौका दे दो। पापा प्लीज। क्या मौका दे दो बेटा तुम्हें? मालूम है तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने कर्जा लिया था, 10,000 कर्जा लिया था मैंने। कभी कहीं से मांग रहा हूँ, कभी कहीं से मांग रहा हूँ, कभी किसी के सामने हाथ पर ला रहा हूँ कि तू कुछ बन जाए, तेरी पढ़ाई अच्छी तरह तरीके से हो जाए। तुम्हें पता है तुम्हारे बाप क्या काम करता है, कहाँ कहाँ से पैसा लेके आता है, किसके लिए लेके आता हूँ? प्लीज पापा मुझे एक मौका दे दो, आगे से मैं जरूर पढ़ूंगा। आगे से नहीं मैं आपको झूठ बोलूंगा। पापा मुझे माफ कर दो, मैं आगे से आपको झूठ नहीं बोलूंगा, आगे से मैं पढ़ाई करूंगा। प्लीज पापा ये माफ कर दो। प्लीज पापा मुझे माफ। चल चल चुप बेटा, मन लगा के पढ़ना ठीक है? ठीक है पापा। क्योंकि तेरे फ्यूचर के साथ ही हमारा फ्यूचर जुड़ा है। अब कौन आ गया यार डिस्टर्ब करने के लिए? बेटा ये पढ़ो। नमस्ते अंकल। नमस्ते। किससे मिलना आपको? साहिल से मिलना था। साहिल से? हाँ जी। ओके
क्यों? मैथ के बारे में थोड़ा डिस्कस करनी थी मुझे। ओके, पढ़ाई के बारे में? हाँ जी, हाँ जी। बैठो बेटा, बैठो। ठीक है, आप पढ़ाई करो, मैं आता हूँ। सॉरी, ठीक है, कहीं जाना मत, घर पे रहना। ठीक है, पापा मेरे 99% आ गए।